Hi everyone, welcome back at Technical Analysis World. As you see the chart pattern part 14, rounding bottom, reverse head and shoulder free. We scheme chal rahi hai sabhi jagah pe, to hum bhi dalte hai scheme, right? So with the live example of USD INR, bahut important video hai dosto, dekhega sabhi ke liye kaam ki cheez hai, right? Jo import export ya whatever, jo bhi log, zyadatar Indians out. कंट्री रहते हैं सभी के लिए काम की चीज़ है, तो देख लीजिएगा। और सबसे काम की चीज़ है जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसको शॉर्ट करते रहे, राइट, तो उनके लिए तो बहुत इट्स बिग अलर्ट। ओके, तो मैंने देखा है एक्चुअली सुबह उठते ही कि सभी लोग USD INR को शॉर्ट करने की बातें कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि वो नहीं गिर सकता, गिर भी सकता है, ये तो मार्केट है, राइट, हेड या टेल, राइट, मैं हेड बोल रहा हूँ, कोई टेल बोल रहा, कुछ भी हो सकता है। ओके, बट देखिए प्रिकॉशंस रखना बहुत जरूरी है। ट्रेड विद द ट्रेंड का कॉन्सेप्ट मैं ऑलवेज फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं 19 साल से ये मार्केट में टिका हुआ, राइट, कई बार झटके लगे हैं लेकिन स्टॉप लॉस रखता हूँ, इसीलिए ऑलवेज मैं सर्व कर लेता हूँ, ऑलवेज आई लाइक टू सर्व विद द ट्रेंड। ओके, तो आज देखेंगे ये मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी बैठे हुए हैं, जो इंडिया में तो आ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। अभी USD INR में क्या सीन है देख लेते हैं। इस मैंने स्पेशली इसीलिए बनाया है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादातर शॉर्ट की बातें अभी चल रही है, तो मैं ऐसा तो कह, अभी वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, राइट, कि नीचे ऊपर ही जाएगा, राइट, देख लो चार्ट पे क्या दिखता है, न्यूट्रल है, आप भी देखो मेरे साथ। ओके, तो ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे USD INR का चार्ट अवेलेबल है, अदरवाइज मैं अपना जो सॉफ्टवेयर उसी से रोज मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड इट इज़ अवेलेबल ऑन ट्रेडिंग व्यू, राइट, जहाँ पे आप जब भी ओपन करते हो तो ये आप यहाँ पे होम पेज पे इंडिया ट्रेडिंग व्यू in.tradingview पे आपको यहाँ पे पीपल करके टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड सर्च करेंगे तो हम मिल जाएंगे, तो हमें भी आप फॉलो कर सकते हो। राइट नाउ सिर्फ 2 मंथ्स हुए हैं एंड वी हैव गॉट 113 फॉलोअर, इट्स अ गुड रिस्पॉन्स, राइट। तो अभी यहाँ पे मैं टीकर करके USD INR में यहाँ पे कर रहा हूँ सर्च और मुझे मिल गया, राइट, और नाउ आई एम गोइंग टू ओपन फुल फीचर चार्ट। ओके, मेरा तो जो पेड सॉफ्टवेयर है मैं वो उसी में मुझे मिला नहीं, इसीलिए मैंने ये ओपन किया है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ डेली चार्ट फ्रेंड्स। ओके, अभी आप खुद देखिए कि इसको शॉर्ट करने जैसा है कि नहीं, राइट, यू विल गेट द आंसर। ओके, अभी इनको दोनों को बाय बाय कर देते हैं, मोदी जी को और ट्रंप जी को। ओके, तो देखिए दोस्तों अभी इसमें एक सिंपल चीज़ है, ठीक है, आप कुछ मत करो। ओके, बट यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है ऐसा, लाइफ टाइम हाई के पास शॉर्ट करना यानी इट्स ट्रेंड के अपोजिट जाना। ओके, और कुछ सिग्नल भी नहीं है, ना ही गैप डाउन है यहाँ कहीं पे, ना ही कोई हैमर है, हैमर और गैपडाउन से भी ट्रेंड रिवर्स इतना कुछ फास्ट नहीं होता है, बट कुछ है ही नहीं वहाँ पे। ओके, तो शॉर्ट जितना हो सके दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, अभी बात यह है यहाँ पे क्लियर कट ये जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट तो यहाँ से मिस हो ही चुका है, राइट, बट उस टाइम पे भी बना सकते हैं लेकिन वो ध्यान में नहीं था मेरे, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे शॉर्ट के ट्रेड देखे हैं। ओके, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि ये शॉर्ट करने जैसा है जब तक यहाँ पर कोई सिग्नल ना मिले, राइट। दूसरी बात, राउंडिंग बॉटम भी है। ओके, ये बढ़िया राउंडिंग बॉटम है। ओके, कई लोग टारगेट भी निकालते हैं तो मैं ऑलवेज कहता हूँ दोस्तों टारगेट जो है वो आपको ट्रैप कर देगा, राइट। तो इतना टारगेट राउंडिंग बॉटम के हिसाब से 68-74 यानी 10 रुपीज का टारगेट यानी 84 का टारगेट बैठ रहा है, बट मैं तो ऑलवेज कहता हूँ कि रिवर्स स्टॉप लॉस करना है। ओके, दूसरी बात, ये जो स्विंग है यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर से तो मिस हो ही चुकी है। ओके, बट अभी ये जो राउंडिंग बॉटम उसने शायद ब्रेक कर चुका है, कन्फर्म कर लेते हैं फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ कंफर्म कर लो, कई बार दिखती है चार्ट पे बट हुआ नहीं होता है। 74.63 और इसका हाई है 74.52 यानी ये हाई तोड़ चुका है, राइट। अभी जैसे अपनी जो थियरी है कि ब्रेकआउट के बाद रिएक्शन आए तो बेस्ट है। ओके, तो अभी फिलहाल आपको शॉर्ट करने जैसा तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, बट बाई करने के लिए यहाँ से बाई करते हो, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, बट दूसरी एक बात, रिएक्शन की मैं वेट करना चाहूँगा,
रिएक्शन है ना इतनी बड़ी अपू आने के बाद, एक छोटा रिएक्शन राइट, जिससे लोगों को ऐसा लगे कि हाँ भाई मैं शॉर्ट किया, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मेरा अच्छा ट्रेड है, मैं टॉप में बैठ गया, अभी तो मैं इसको 60 में काटूंगा राइट, या 72 में काटूंगा या 65 में राइट, तो उनको ट्रस्ट में ले लेंगे। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं दोस्तों, इतना बड़ा मूव आने के बाद ये जो छोटा गिरता है ना, तो गिरने ये पैनिक हो जाते हैं ओके। लेकिन लास्ट टू स्विंग देखो, ये वाला स्विंग देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि बायर्स आर अग्रेसिव ओके। तो एक ऐसा रिएक्शन, एक क्लोज डाउन और फिर ये हाई ब्रेक होता है, देन इट वुड बी बेटर राइट। फिर क्या करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फिर भी बता देता हूँ, स्टॉप लॉस जब भी ये अप ट्रेंड का स्टॉप लॉस है, दिस ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज राइट। और जैसे ही हाई क्रॉस होता है, अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा अगेन, वैसे तो है ही ऑलरेडी राइट। ऐसे रिवाइज करने के लिए एवरी डे एवरी कैंडल से रिवाइज करते जाइए विद द हेल्प ऑफ लो, या फिर वेट फॉर द रेयर कैंडल टू रिवाइज द स्टॉप लॉस राइट। दूसरी बात इसका, और आप देख लो कहाँ से मीन्स कैसा फटने वाला है, ऐसा अभी फटा है, गोल का तो रिव्यू किया ही था दोस्तों, 45 के आसपास पहुंच चुका है ओके। कई लोगों ने गोल में शॉर्ट करके थोड़ा बहुत पैसा बनाया है राइट, बट शॉर्ट करना एडवाइजेबल नहीं था ट्रेड विद द ट्रेंड, गोल का भी मैं बता देता हूँ। इस हिसाब से आप देखो तो ये अभी फिलहाल बड़ी अप मूव में चल रहा है, तो सबको फंसा ही देगा, ये तो फंसा ही देता है राइट। बट फिलहाल ये इसका इसके आसपास आपको आ सकता है, ऐसा दिख रहा है, बट वो सब छोड़ देते हैं। रिएक्शन के बाद आप जो मैंने पहले बताया वो ध्यान में रख के ऐसा ऐसे सब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया आएगा कि ये ब्रेक होने के बाद ये वो राइट। इस तरह से आप कर सकते हो ओके। दूसरी बात, ये सब पूरा कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया है फ्रेंड्स ओके। तो ये स्पेशली बनाया है उन लोगों के लिए, सभी के लिए स्पेशल है, USDINR राइट। तो अपने इकोनॉमी पे इसकी इम्पैक्ट आती है, तो इसको तो देखना बनता ही है ना ओके। तो इस हिसाब से आपको करना है राइट। दूसरी बात देखिए दोस्तों, कई लोगों ने मुझे गोल्ड के बारे में पूछा राइट, तो मैं बता देता हूँ कि उसमें भी क्या है। दिस इज द वीकली चार्ट ऑफ गोल्ड, डेली चार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। देखो एक बंदे ने मुझे पूछा था, इसका पॉजिटिव रिव्यू था, यूट्यूब पर रखा ही है हमने, यहाँ पे मुझे पूछा, मैंने कुछ नहीं किया, MACD सिग्नल लाइन चेक कर दिया, बोला अभी शॉर्ट करने जैसा नहीं है, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर राइट, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन ये गिरा राइट, गिरते ही उनको लगा ही होगा कि यार मैंने कहाँ पूछा, यहाँ से शॉर्ट कर देता तो अच्छा होता है, ऐसा किसी को भी हो सकता है, इट्स नॉर्मल साइकोलॉजी राइट। बट मैं आई गो फॉर ओनली लॉन्ग राइट, तो मैं आई लुक फॉर ओनली बाय राइट। तो ट्रेंड के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, इसका स्पेशल वीडियो MACD का बनाया था दोस्तों, कई लोगों ने अभी भी नहीं देखा है, देख लीजिएगा राइट। अभी मैं बात करता हूँ वापस कम बैक ऑन द अपना INR, अपना USDINR नहीं बोलूँगा, अपना INR राइट ओके। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स वीकली चैट, वीकली चार्ट पर डेली का ही आएगा क्या, सेम ही आएगा, थोड़ा सिंक हो जाएगा राइट। तो ये आपको दिख रहा है, ये आपको क्लियर कट दिख रहा है। मंथली चार्ट पर भी देख लेते हैं, नज़र डाल देते हैं, 2 सेकंड लगेगा राइट, यहाँ से सब ठीक है, पॉजिटिव है। डेली पे चलते हैं, डेली पे आपको थोड़ा ADX अगर मिल जाता है इस सॉफ्टवेयर में तो डाल के देख लेते हैं। MACD का देख लेते हैं सबसे पहले, तो MACD तो देखो ये सिग्नल लाइन रेड लाइन इज इट इज़ अबोव 0 लाइन ओके। तो कहाँ शॉर्ट तो ठीक है, दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स राइट। कोई बायस बायस के साथ मैं नहीं बोल रहा हूँ राइट, कोई न्यूट्रली ऑलवेज कहता हूँ मैं। देख लेते हैं फ्रेंड्स, इंडिकेटर है इसमें ADX ADX NDMI, थोड़ा ब्लैक लाइन है, वो दिख नहीं रही है यार इसमें तो दोस्तों। आई ट्राई टू चेंज द कलर, आई हैव टू चेंज, वाइट कर देते हैं। ये यही हमारा खिलौना है दोस्तों, जालों से इसी के साथ खेल रहा हूँ ओके। तो अभी ये देखिए, पहली बार ADX डाला फिर भी पता तो चल ही जाता है यहाँ से होता है राइट, क्योंकि सालों से इसी के साथ खेलना है, इसी के साथ जीना मरना है। तो ADX देख लो दोस्तों, 20-30 के ऊपर है, वाह अभी तो चल 46 है ADX राइट।
तो ये केस में देखो मिरर इमेज भी बन सकती है, ईडीएक्स ऐसा बोल रहा है राइट, मिरर इमेज का वीडियो बनाया था क्योंकि इसमें क्या वाइट लाइन दोनों के ऊपर है राइट, तो इसमें सिर्फ ये दोनों का वो होना चाहिए, इंटरसेक्ट होना चाहिए, तो पूरा जितना बड़ा है उतना गिर जाता है, इसीलिए मैं कहता हूँ पहले एक रिएक्शन आ जाने दो राइट, फिर लॉन्ग कर सकते हो, यानी मीन्स अप ट्रेंड का प्रिडिक्शन कर सकते हो राइट। तो ये एक रिएक्शन आ जाए तो बेस्ट है ओके। तो ये बहुत मुश्किल से दोस्तों, जब भी एक वीडियो बनाते हैं तो बहुत दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है, इसलिए मैं रिएक्शन कहता हूँ कि हो सकता है कि वो रिएक्शन ना हो और धीरे 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 ऐसा एक्शन भी बन जाए राइट, क्योंकि ये दोनों बहुत डेंजर है, ईडीएक्स इसका क्लियर नहीं है राइट, अगर ऐसा होता वाइट लाइन मिडल में होती तो कोई दिक्कत नहीं, बट वाइट लाइन दोनों के ऊपर है, तो ये केस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स राइट, बहुत बार फंसाया है मुझे राइट, ऐसे नीचे ऐसा हो जाता है तो पूरा ऊपर मिरर इमेज बन जाता है ओके। तो इसीलिए इसमें एक रिएक्शन आ जाने दो ओके, फिर जब भी हाई क्रॉस होता है तो भी बेटर ओके। तो आशा करता हूँ दोस्तों पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो वापस हम अपने सॉफ्टवेयर पे ही बनाएंगे ओके। तो क्योंकि इसमें अभी USDINR आई डिड नॉट गेट इट राइट, दैट्स वाई मुझे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था अभी फिलहाल ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक, और वीडियो तो आप कर ही रहे हैं लाइक शेयर कमेंट ओके। तो अपना सफर अच्छा चल रहा है और चलता रहेगा दोस्तों ओके। तो फिर मिलते हैं ऑन फॉलो द स्टॉप लॉस।